तस्वीरों के संग आवाजों के रंग 30 साल की लगन नक्शे आईनाएपन पीटीवी का सफल पहुंचा है घर घर। ₹1989 पीटीवी का सिल्वर जुबली साल था। पीटीवी का एक दौर मुकम्मल हुआ और पीटीवी एक नए दौर में दाखिल हुआ। अब इसके सामने नए जमाने के नए चैलेंज थे। 1990 से बड़े शहरों की बुलंदोबाला इमारतों की छतों पर बड़ी तेजी से डिश एंटीना नमूदार होना शुरू हो गए। इसी साल 29 मई को इस्लामाबाद में मुल्क के पहले प्राइवेट टेलीविजन चैनल ने अपनी नशरियात का आगाज किया। इस तरह नाजरीन को सिर्फ ऑन ऑफ करने के बजाय चैनल तब्दील करने की सहूलत भी हासिल हो गई। यूं एक सेहतमंद मुसाबकत की बुनियाद पड़ी। इससे कबल भी पीटीवी को कई चैलेंजों से गुजरना पड़ा था। 1990 में सूबे बलूचिस्तान और सूबे सरहद में नशरियात का दायरा वसी करने के लिए पीटीवी के 3 रीब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स ने काम शुरू किया। 1990 में मुल्क में खेलों के जिस सबसे बड़े मुकाबले का एहतमाम किया गया वो 7वां वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट था। ये मुकाबले हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में 12 से 23 फरवरी तक जारी रहे। फाइनल में हॉलैंड ने पाकिस्तान को 1-3 से हरा दिया। पीटीवी की इस कवरेज को बैरूने मुल्क भी पसंद किया गया। यूँ तो मैंने सारी दुनिया में खेलों के मुकाबले देखे हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड ये तमाम ममालिक और इसके अलावा भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। इन सब में अगर मैं बिल्कुल सही बात करूं तो अगर मेरा असेसमेंट ये है कि दुनिया में नंबर 1 जो स्पोर्ट्स का कवरेज है वो ऑस्ट्रेलिया का है और अगर उसके बाद अगर आप देखें तो वो कवरेज फिर पाकिस्तान का है। 1990 में इंतखाबी जोश व खरोश एक बार फिर अपनी इंतहा को पहुंच गया। 24 अक्टूबर को कौमी और 27 अक्टूबर को सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात का इनेकाद हुआ। पीटीवी ने हस्ब रिवायत खुसूसी नशरियात पेश की। नताइज से फौरी आगही, बेलाख तज्जियों और दिलचस्प और तफरीही प्रोग्रामों से लुत्फ उठाने के लिए रथ जगे हुए। जनवरी 1990 से हर महीने एक उर्दू फीचर फिल्म दिखाई जाने लगी। में करारदादे पाकिस्तान की मंजूरी की गोल्डन जुबली मनाई गई। पीटीवी ने 16 फरवरी से जिंदाबाद पाकिस्तान के उनवान से सिलसिलेवार दस्तावेजी प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की इम्तियाजी खसूसियात और आलमी बरतरी का अहाता किया गया। कारवाने आज़ादी तहरीक आज़ादी के नामवर रहनुमाओं के बारे में खसूसी दस्तावेजी प्रोग्रामों का सिलसिला था। ये प्रोग्राम नशर मुकर्रर के तौर पर कई बार पेश किए गए। ये नाहिद हसन जैदी की काविश थी। इकरा की जगह अल किताब का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में कुरानी आयात की रोशनी में हुकूकुल इबाद की तालीम दी जाती थी। मेजबान इकबाल फरीदी, किरत वहीद जफर कासमी, पेशकश शाहीन अंसारी। कायनात के रंग में बच्चों को कायनात के बारे में आरिफ अब्बासी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में मालूमात फराहम की। ये प्रोग्राम फैयाज बेग ने पेश किया। कोयटा मरकज से बच्चों की गैलरी को बच्चों ने बड़े शौक से देखा। इसे अथर मंगी ने पेश किया। सनाए कुदसी के उनवान से माह रमजानुल मुबारक में जान मोहम्मद कुदसी की मशहूर नात मरहबा सैयद मक्की मदनीउल अरबी पर तजामीन पेश की गईं। इस पर डॉक्टर अबुल्लाह सिद्दीकी तबसरा करते थे। मेजबानी के फराइज आफताब रिजवी ने अंजाम दिए। देखने में ये आया कि रमज़ान में चूंकि एक ख़ास माहौल होता है जो कि मजहबी रंग जिसमें बहुत ज़्यादा होता है तो लोगों ने ना सिर्फ इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया
बल्कि इसको पसंद भी किया और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने अपनी आरा से हमें मुत्तला किया। साथ साथ मर्दों के शाना बशाना मुख्तलिफ शोबों में काम करने और नुमाया मकाम रखने वाली ख्वातीन के साथ गुफ्तगु का एक प्रोग्राम सुल्ताना सिद्दीकी ने पेश किया। इसकी मेज़बान महताब अकबर राशिदी थी। 1990 के दौरान में 17 ड्रामा सीरियल्स और 4 सीरीज पेश की गईं। क्वेटा मरकज का मदार एक ऐसे मासूम नौजवान की कहानी थी जिसे हीरोइन की स्मगलिंग में गलती से मुलविस कर दिया गया था। तहरीर अब्दुल रऊफ खालिद, पेशकश सज्जाद अहमद। पेशावर मरकज की बारिश में कौस व कज़ह के सारे रंग मौजूद थे। मुसन्निफ डॉक्टर डेनिस आइज़क और प्रोड्यूसर जहां ज़ेब सुहेल। वकास के लिए वो जगह मेरे बेटे की परवरिश के लिए मौजूद नहीं है। पहली बात तो ये है ज़ैनब भाई कि आप आ नहीं जाएंगे, और आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। पागलपन की बातें नहीं करते रमा। मुन्नू भाई और यावर हयात ने झील में अनोखा तजुर्बा किया। उन्होंने 1971 में अपने ही पेश किए गए सीरियल जजीरा को आगे बढ़ाया। इसके किरदार उम्र में बड़े हुए तो नई कहानियों ने जन्म लिया। भी ले लावा की। आए पहले मैं आपको मकान दिखाता हूँ, किराया बाद में देख लेंगे। आए चले समय कर लो मते के नाल देख लेकिन। चुप चुप इतने समय कर लो के मते के नाल देख लेकिन। सानू कोई इतला ही नहीं दी है। कदी कोई कोई देगम वगैरह भी नहीं खड़की हैं। बा अदब बा मुलाहिजा में अथर शाह खान ने बादशाहों, शहजादों और महलाती साजिशों पर मबनी पैरोडी तर्स के खेल तहरीर किए। प्रोड्यूसर कासिम जलाली ने अदाकारी के जौहर दिखाए। ये हैदर इमाम रिजवी की पेशकश थी। तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी बिरादर निस्बती, हमें एक खंजर तोहफे में पेश किया और कहा कई हजार अशरफियों में खरीदा है, जबकि वो खंजर उस बूढ़े सिकंदर का था। चाकरे आजम में सूबे बलूचिस्तान के अजीम हीरो के अजीम कारनामों को बड़ी खूबसूरती से मंजर आम पर लाया गया। मुसन्निफ अताशाद, पेशकश दोस्त मोहम्मद किशकोरी। इसे इस तरह ना लौटाओ, इसका तकद्दस हमारे खून में रची पसी रिवायत है, और इस मौके पर खून बहाने से नाराफ अपने खून से नाराफ है। ख्वाहिश फिल्म स्टार रानी की पहली ड्रामा सीरियल थी जो उनकी फिल्मों ही की तरह मकबूल हुई। तहरीर असगर नदीम सैयद, प्रोड्यूसर राशिद डार। मेरा शोहर है, यही तो मुझसे रिहाई चाहता है। ओए अब तूने इस कार में मेरी बीवी बनकर रहना है या अपने पुत्र की माँ? बात यह है कि प्रोडक्शन टेक्निकली बहुत तरक्की कर गई, और जब चीज़ सजी सजाई हो, खूबसूरत नज़र आती हो तो अट्रैक्ट करती है, और जब चीज़ अट्रैक्ट करती है, दिलचस्पी रखती है, तो आप चाहे उसमें कल्चर नज़र आए ना आए, चाहे आपका कल्चर की निगेशन हो रही हो, आप उसको देखते हैं और जहन उसका असर लेता है। इससे बचने के लिए हमने तैयारी नहीं की, इस बात के मुझे दुख है। हम इस खुशफहमी में हैं कि जनाब कोई बात नहीं, हमारा ड्रामा आज भी बहुत अच्छा, हमारा ड्रामा आज भी उतना अच्छा नहीं है। टैलेंट वाइज अच्छा है, हमारे एक्टर्स अच्छे हैं, हमारे राइटर्स अच्छे हैं, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास कहानी है। बाहर की दुनिया में कहानी खत्म हो रही है, लेकिन हमारे पास कहानी है, यही एक मजबूत बात है, लेकिन कहानी में नई जहतें तलाश नहीं की जा रही। ड्रामा सीरीज वक्त का आसमान में कासिम जलाली ने जदीद दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और इनसे पैदा होने वाले मसाइल को अपना मौसू बनाया। 1990 में इस सीरीज के 6 और 1991 में 5 खेल पेश किए गए। ज्यादा कहानियाँ सभी मोहसिन ने लिखी। Daddy, I can't believe it. ये मेरी फूल जैसी बच्ची के लिए बहुत सारे फूल और ये तुम्हारी पसंदीदा चीज चॉकलेट। थैंक यू सो मच। हम लोग जब बच्चे थे तो हम नानी दादी और बुजुर्गों से कहानियां सुन के जवान हुए, और उनसे बड़े अच्छे मॉरल
बड़े अच्छे सबक लेते थे। तो आजकल का जो बच्चा है वो टेलीविजन देखता हुआ जवान हो रहा है, तो नतीजा ये है कि वो उससे जो अक्स कर रहा है ज़्यादा अच्छे पहलू भी ले रहा है उससे और बुरे पहलू भी ले रहा है, जिसका मजा आम है, यानी मुतज़ाद किस्म की उसकी तालीम हो रही है। लहू तरंग कराची मरकज का मौसीकी का एक मुनफरिद प्रोग्राम साबित हुआ। इसमें रफत हुमायूं ने मेहनत कशों के मुतालिक गीत पेश किए। अपने खुशियां अपने कब लाहौर मरकज से लोक मौसीकी पर मबनी प्रोग्राम महकार ने भी मकबूलियत हासिल की। पाकिस्तान वंडरलैंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की दस्तकारियों की अक्कासी की गई। 1990 में नई दिल्ली में ABU के जेरे तहत बच्चों के प्रोग्रामों के मुकाबले में अलिफ से ये को खुसूसी सर्टिफिकेट दिया गया। इसकी प्रोड्यूसर अनीला शाहीन थी। टीवी का कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक पूरी टीम उसे ओन करके उसे पूरी मेहनत से ना बनाए। ये प्रोग्राम हमने वो के किसी मुकाबले के लिए नहीं बनाया था, लेकिन इसे मुकाबले में भेजा गया और एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ही टेक्निकली साउंड ममालिक हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और जर्मनी जैसे ममालिक भी शामिल थे, उन ममालिक के मुकाबले में ये अवार्ड लेकर आया। और यकीनन PTV के लिए और ज़ाती तौर पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज था। 1991 में भी PTV ने आसमान वक्त पर नई कहकशाएं सजाई। बर आज़म एंटार्क्टिका के बर्फजारों में January 91 में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के नाम पर जिनाह स्टेशन कायम किया गया। PTV के प्रोड्यूसर खालिद महमूद जैदी ने भी इस दुश्वार मुहिम में मुल्क की नुमाइंदगी की। कराची टेलीविजन स्टेशन की इमारत से मुलहक ये सड़क PTV के एक मशहूर प्रोड्यूसर के नाम पर शहजाद खलील एवेन्यू कहलाती है। इसका इफ्तिताह 28 नवंबर को किया गया। संग संग चले के बाद लाहौर से आंगन आंगन तारे का आगाज किया गया। ये प्रोग्राम अब भी जारी है। इसमें मौसीकी खलील अहमद तरतीब देते हैं। पाकिस्तानी अदब साल ब साल एक यादगार महाना प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम में एक साल की अदबी सरगर्मियों का अहाता किया जाता है। रिवायती खुश्क अदबी प्रोग्राम के बजाय प्रोड्यूसर तारिक जमील ने इसे अपनी काविज से एक दिलचस्प प्रोग्राम बना दिया। प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज राहत काजमी ने अंजाम दिए हैं। इसके मुदीर मुदब्बिर रिज़वी हैं और आजकल ये ताजदार आदम पेश कर रहे हैं। अहमद नदीम कासमी साहब, ये बताइए कि क्या PTV के मौजूदा अदबी प्रोग्रामों का मैयार रूबा जवाल तो नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि बाकायदा यानी बहुत ही तदरीजी अंदाज में तरक्की हुई है हर लिहाज से, प्रोडक्शन में भी, ये फोटोग्राफी में भी, और जो माहौल तख्लीक करते हैं आप ड्रामों में उसमें भी, मुबाहसों में भी मेरा ख्याल, और इसमें गानों के जो प्रोग्राम है उसमें भी, मैं समझता हूँ कि इब्तिदा से अब तक बेशुमार तब्दीलियाँ हुई हैं और सारी मुस्बत और पॉजिटिव तब्दीलियाँ। मैं इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हूँ कि टेलीविज़न के प्रोग्राम जो हैं वो इन्हितात पसीर हैं। मैं समझता हूँ कि तरक्की पसीर। 6 अप्रैल को ईद उल फितर के खुसूसी शो स्टूडियो 2:30 की मेज़बानी अनवर मकसूद ने की। 6 माह बाद ये शो एक मुस्तकिल प्रोग्राम की हैसियत से शुरू किया गया। इसकी हिदायत मोहसिन अली ने दी। मुझे तहजीब सिखा रहे हैं कि दिस इज टू मच। माइंड कह रहे हैं जब से ही आए हैं, इन्होंने आपकी तरफ एक दफे भी नहीं देखा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स शुरू किया, बाद में
कराची से शाहिदा शोएब रिजवी ने इसमें तब्दीलियां की। आजकल इसके प्रोड्यूसर मोहम्मद अयूब खान हैं। अदनान समी की खूबसूरत आवाज और पाकिस्तान के हसीन मनाजर ने बहता दरिया को नगमगी बख्शी। ये ख्वाजा नजमुल हसन की पेशकश थी। बहता दरिया रात बनी थी, चांद की उसमें नाव चली थी, दरिया पार हुआ, दरिया पार हुआ। तीसा की दगन नक्शे आई नाए पन, पीटीवी का सफल पहुंचा है घर घर। 2 अगस्त को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। खलीज की जंग ने इस खत्ते को भी मुतासिर किया। हालात हाजरा के प्रोग्रामों के अलावा पीटीवी के दीगर प्रोग्रामों में भी इसके असरात देखने में आए। रात, रेत और हवा में खलीज की जंग के अलमियों को मौजू बनाया गया। ये असली मसाइल पर पीटीवी की एक और यादगार पेशकश थी। हिदायत काजम पाशा, तहरीर हमीद काश्मीरी। फिशार में अयूब खावर और अमजद इस्लाम अमजद ने बदी के अंधेरों में सच्चाई की किरण को जिंदगी का सरमाया करार दिया। पाले शाह वादी जोब के वो मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने तवील अरसे अंग्रेजों से जंग लड़ी और उन्हें पसपा होने पर मजबूर किया। तहरीर जमाल शाह, पेशकश सज्जाद अहमद। मेरे डांस में तो पहले ड्रामा इलामती ज़्यादा था, यानी इलामत का अंसर ड्रामे में ज़्यादा था। आजकल ड्रामा ज़रा रियलिस्टिक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जर्नलिस्टिक ज़्यादा होता जा रहा है। और जहाँ तक प्रोडक्शन वैल्यूज़ का ताल्लुक है, पहले भी अच्छे और बुरे ड्रामे हुआ करते थे, आज भी कभी कभार अच्छा ड्रामा हो जाता है और अक्सर बुरे ड्रामे हुआ करते हैं। हालांकि 20 या 25 साल पहले सेंसरशिप के हवाले से दौर ज़रा ज़्यादा लिबरल था, लेकिन उसके बावजूद इनामती अंसर का ज़्यादा होना मेरी समझ से बाहर है। बयाबान जिंदगी के खारजार की दास्तान थी। मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद आजम आजम, हिदायत फरमानुल्लाह जान। मजबूरन मुझे वहाँ एक महीना रुकना पड़ा। मम्मी के बगैर ये घर बिल्कुल सुना सुना सा लगता था। इनके आते ही मेले का सा समा हो गया। पाकिस्तान टेलीविजन ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उसके ड्रामे 38 ममालिक में देखे जाते हैं और पसंद करते हैं लोग। गो के पिशावर टेलीविजन बाद में बना और हमारे यहाँ के जो ड्रामे हैं वो बाद में टेलीकास्ट हुए। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ड्रामे और सेंटरों के बराबर लाएं और इंशाल्लाह ताला हमारे ड्रामे और सेंटरों से बेहतर होंगे। मुकदमे कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान अक्सरियत पर बरसा बरस से होने वाले मजालिम को एक मुकदमे के जरिए बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। महाराजा गुलाब सिंह, लॉर्ड माउंट बैटन और शेख अब्दुल्ला भी किरदारों की शक्ल में वक्त की अदालत में पेश हुए। मुसन्निफ और प्रोड्यूसर बख्तियार अहमद की इस काविश को बहुत सराहा गया। इस स्क्रिप्ट को किताबी शक्ल दी गई जिसे वजारत उमूर कश्मीर ने इनाम से नवाजा। और सच के सिवा कुछ न कहे। कोयटा से तारिक मेराज और ओरिया मकबूल जान ने रोजन के जरिए जिंदगी के बहरे बेकरा में झांकने की कोशिश की। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे समझने के लिए उसके बारे में इल्म चाहिए, और जिसके बारे में इल्म हो जाए उसकी इज्जत की जाती है। मेरे नज़दीक कोयटा टेलीविजन में 3 नौ के ड्रामे पेश किए गए हैं। एक तो बुनियादी तौर पर जो कि रवायात और कल्चर्स की बुनियाद पर है, दूसरे वो ड्रामे थे कि जो बलूचिस्तान की आउटडोर लोकेशन और फोटोग्राफी पर बुनियाद रखते हुए पेश किए गए। लेकिन इन दोनों ड्रामों के अलावा कोयटा टीवी से तजर्बाती नौइयत के और रोमांटिक प्लेस और खालिस्तन माशरती प्ले भी पेश किए गए, और इनमें छाँव, फासले, भंवर और इस तरह के ड्रामे शामिल हैं। तीसरी दुनिया में आबादी के बढ़ते हुए सैलाब से जन्म लेने वाले मसाइल को आहट में उजागर किया गया। ये बोल्ड ड्रामा सीरियल
پی ٹی وی اور امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کی مشترکہ کاوش تھی۔ حسینہ معین کے لفظوں کی آہٹوں سے ساحرہ کاظمی نے خوبصورت مناظر تخلیق کیے۔ احمد صاحب اتنی دیر سے ڈائل کر رہے ہیں اور تم اٹھائی نہیں رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہیں میٹنگ پہ جانا ہے ابھی۔ تان سین پی ٹی وی اکیڈمی کا ایک یادگار آرٹ سیریل تسلیم کیا گیا۔ اس میں مغل بادشاہ اکبر کے دور کے عظیم موسیقار تانسین کی زندگی کی عکاسی کی گئی۔ زیبا بختیار نے تانی کا کردار بڑی مہارت سے ادا کیا۔ اکبر کا دربار میں جائے گی، باوری ہو گئی ہے، ارے اس سے پہلے ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ گیسٹ ہاؤس 1991-92 کی مقبول ترین ڈرامہ سیریز ثابت ہوئی۔ اس کے زیادہ تر ڈرامے قیصر فاروق اور سید شاکر عزیر نے پیش کیے۔ 50 منٹ کی کامیڈی بہت کم ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں جو کامیڈی آج تک ہوتی رہی ہے وہ 25 منٹ کی ہوتی ہے۔ 50 منٹ کی کامیڈی اور وہ مسلسل 52 ہفتے بغیر کسی بریک کے، جس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ٹیم وہ ساری موجود ہے جس میں اسٹاک کیریکٹرز تھے، اور کہانیاں بھی آتی رہیں اور چینج ہوتی رہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ نئے نئے رائٹرز لکھ رہے تھے، اس لیے نئے نئے آئیڈیاز تھے۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہترین کام کر رہا ہے۔ جہانگیر فاتح عالم، عظیم جہانگیر خان کی حیات اور کارناموں پر مشتمل ایک خوبصورت دستاویزی فلم شاہدہ شعیب رضوی نے تخلیق کی۔ 1991 میں جاپان فاؤنڈیشن نے پی ٹی وی کو جاپان کے لوگ اور ان کا طرز رہائش کے موضوع پر ایک دستاویزی فلم بنانے کی دعوت دی۔ این ایچ کے انٹرنیشنل اور اے بی یو یعنی ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ یونین کے تعاون سے یہ فلم جاپان میں صرف 42 دن میں تیار کی گئی۔ یہ پی ٹی وی کے لیے ایک اعزاز تھا۔ اس کے پروڈیوسر ناظم الدین تھے۔ اسی سال پی ٹی وی کی دستاویزی فلم لائف ان دا والڈ سٹی آف لاہور کو 2 بین الاقوامی ایوارڈ ملے۔ اسے 12 پری فیوچرا برلن اور ٹرانسٹیل 1991 میں خصوصی ڈپلومے سے نوازا گیا۔ اس تاریخی فلم کی پروڈکشن کے فرائض شیری پاشا نے انجام دیے۔ بریجنگ دا ڈسٹنس میں قدیم اور جدید جاپان کے درمیان ذرائع مواصلات کی بڑی حسین عکاسی کی گئی۔ اسے 35th کمپٹیشن فار فلم اینڈ ویڈیو آن جاپان میں پرائز فار ایکسلنٹ فلم دیا گیا۔ پاسبان سلسلے کی دستاویزی فلم کارپس آف انجینئرز کو 1991 میں روم میں منعقدہ 4th پیپل اینڈ آرمی فلم فیسٹیول میں خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ یہ دونوں دستاویزی فلمیں احسان قادر ہاشمی کی کاوش تھیں۔ میں پروگرام پروڈکشن میں 20 سال سے زائد تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی دستاویزی پروگرام کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں اہم ترین ہیں۔ اول، دستاویزی پروگرام چونکہ حقیقت پر مبنی تخلیقی عمل ہے، اس لیے معلومات اور تحقیقی مواد میں کوئی سکم یا تشنگی نہ ہو۔ دوم، پروڈیوسر اور اس کی ٹیم یعنی کیمرامین اور انجینئرز اعلیٰ فنی معیار سے مزین ہوں۔ سوم، دستاویزی پروگرام ہزاروں بلکہ لاکھوں مناظر سے مل کر بنتا ہے، جنہیں ہم شارٹس کہتے ہیں۔ ہر شارٹ کی جزیات میں بھی تخلیقی حسن اور جمالیاتی خوبصورتی کو خصوصی اہمیت دینی چاہیے۔ جو بھی دستاویزی پروگرام ان امور کو مد نظر رکھ کر تیار کیا جائے گا، وہ ناظرین کے معیار پر ضرور پورا اترے گا۔ تعلیمی چینل کا آغاز پی ٹی وی کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں یہ پی ٹی وی اکیڈمی ہے۔ اکیڈمی سے ملحق یہ پی ٹی وی کے تعلیمی چینل ETV کی عمارت ہے۔ پی ٹی وی کی 28ویں سالگرہ کے دن 26 نومبر 1992 کو پی ٹی وی 2 کا افتتاح ہوا۔ اس کی آزمائشی نشریات اسی سال جون میں شروع کر دی گئیں۔ پی ٹی وی 2 کے پہلے مرحلے کی تکمیل پر 62.70 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جس میں 50.70 کروڑ روپے یعنی 80.86% رقم جاپان نے بطور امداد دی۔ پہلے مرحلے میں جاپانی اور پاکستانی ہنرمندوں کی کاوش سے صرف 2 برس میں اسلام آباد میں ایک مرکز اور دیگر مقامات پر 16 ری براڈ کاسٹنگ سینٹرز قائم کیے گئے، اور ملک کی 56% آبادی اور 24% رقبے تک پی ٹی وی 2 کی نشریات کا دائرہ وسیع کیا گیا۔
PTV2 से रोजाना औसतन 7 घंटे प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं। 1992 के दौरान में 23 मार्च से लॉरेलाई के रीब्रॉडकास्टिंग सेंटर ने काम शुरू किया। 25 मार्च को मेलबर्न में 5वें वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त देकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। पीटीवी के तवसुत से ये यादगार मनाजिर हम वतनों ने बराहे रास्त देखे। पाकिस्तान टेलीविजन वाहिद इदारा है इस मुल्क में जिसने कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया है, जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं। वैसे तो हम मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारा नाम बिल्कुल है, मगर पाकिस्तान टेलीविजन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उसने क्रिकेट मैचेस को घर घर में पहुँचाया। और अब तो पाकिस्तान का तकरीबन हर बंदा हम लोगों को, पूरे क्रिकेटर्स को बाई नेम बाई फेस जानता है। आई थिंक ये सब टेलीविजन की मेहरबानी। 14 अप्रैल 1992 से हर हफ्ते एक उर्दू फीचर फिल्म दिखाने का सिलसिला शुरू किया गया। ड्रामे में पीटीवी ने एक और पेशरफ्त की। टेली थिएटर के उन्वान से हर माह नश्र होने वाले लॉन्ग प्ले 16 अप्रैल से हर हफ्ते दिखाए जाने लगे। इसे हर मरकज अपनी बारी पर तैयार करता है। कलीम शाहब के अब्बा, टेलीविजन की उम्र तो 30 साल हो गई, लेकिन जिंदगी टेलीविजन की जो है वो ज़रा सी मुख्तलिफ हुई। वैसे तो डेवलप करना चाहिए, हो भी रहा तकनीकी एतबार से अदरवाइज, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा असर पड़ा है हमारी इस प्रोडक्शंस पे वगैरह पे, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट हमारे राइटर्स ज़रा ज़्यादा बिजी हो गए। 1992 के दौरान में पीटीवी के कई ड्रामा सीरियल्स ने मकबूलियत हासिल की। मंडी में असद मोहम्मद खान ने यह पैगाम दिया कि मादी कामयाबियों से रिश्ते ज्यादा अहमियत रखते हैं। मंडी काजिम पाशा की पेशकश थी। अच्छा, आम तौर पर इस चीज के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब बाहर के ममालिक की चीजें हम चूंकि देख रहे हैं तो हमारे अंदर खराबियां पैदा हो रही हैं। ऐसा नहीं है। टेलीविज़न के साथ एक मसला यह है कि टेलीविज़न जो है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ही, उसी से उसका वास्ता होता है, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बजाय इसके कि हम अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करें और उसमें एक ऐसा रवैया अख्तियार करें जो दानिशवराना रवैया हो और ज़िंदगी को समझने का रवैया हो। हम कहते हैं कि नहीं, ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं ही नहीं। सूरजमुखी बानो कुदसिया की एक और काबिल कदर काविश साबित हुई। 1986 में ड्रामा सीरीज दूसरा कदम के 6 बरस बाद बानो कुदसिया ने यह सीरियल तहरीर किया। इसकी हिदायत राशिद डार ने दी। करो भी एक फरिश्ता सिफत नर्स की कहानी थी जो माशरे की बुराइयों के खिलाफ जिहाद करती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहने वाले अफराद उससे बहुत दूर दिखाई देते हैं। पेशावर मरकज से पेश होने वाले डॉक्टर डेनिस आइजिक के इस खूबसूरत सीरियल में तारिक सईद ने नए रंग भरे। ये प्यारा सा लफ्ज बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए? क्या आपको अभी जरूरत है लफ्जों में किए गए इजहार की? जुबैदा खातून के मशहूर नॉवल रूसा की ड्रामाई तश्कील फातिमा सुरैया बजियानी की। ये कासिम जलाली की एक और खूबसूरत पेशकश साबित हुई। आरफा तो आरफा, मैं उरूसा के मुतालिक सोच रहा हूँ कि उसको भी बड़ी आपा के सुपुर्द कर दूं। नहीं समझ में तुम्हारी? आज तो ये कहा है, आइंदा मैं नहीं सुनूंगी। मेहराब खान शहीद जंग आजादी के एक अजीम हीरो की दास्तान शजाअत थी। तहरीर ताज रईसानी, क्वेटा मरकज से इसे इकबाल हैदर ने पेश किया। टेलीविजन ने हमारे इलाकाई जबानों की तरक्की व तरवीज में बहुत अहम किरदार अदा किया और इसकी वजह से, टेलीविजन की वजह से हमारे पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे अदीब और शायर और ड्रामा निगार जो हैं वो पैदा हो गए हैं और वो रहे हैं। हसीना मुईन और मोहसिन अली की टीम ने एक और खूबसूरत सीरियल कसक तख्लीक किया। अच्छी नहीं है? ये क्या चीज़ है? आज
پانچ نے مقبولیت کی نئی منزلیں طے کیں۔ یہ مصنفہ ناہید سلطانہ اختر اور پروڈیوسر طارق جمیل دونوں ہی کا پہلا ڈرامہ سیریل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تو ڈرامہ ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ فلمیں تو ختم ہو گئیں، اسٹیج کے ڈراموں کا جو حال ہے وہ سبھی جانتے ہیں، تو ڈرامے کی ترقی میں ٹیلی ویژن کا بڑا ہاتھ ہے۔ دن ہمارے شب و روز کی کہانی تھی، اسے بھی بڑی توجہ سے دیکھا گیا۔ تحریر امجد اسلام امجد، ہدایات ایوب خاور۔ کوئٹہ مرکز سے محمد نواز مکسی نے لکیریں تخلیق کیں۔ اے ڈی بلوچ کی کہانی کو اکرم زیب نے ڈرامے کا روپ دیا۔ بابا، میں اسے بتاؤں گی کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ 1992 سے پی ٹی وی نے اپنے ڈرامے کے اختتام کے بعد فنکاروں کے ساتھ شوز کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک شام کسک کے نام اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ بشرا انصاری کی میزبانی میں یہ شو قاسم جلالی نے ترتیب دیا۔ گرین گولڈ میں پشاور مرکز سے در محمد کانسی نے وادی سوات کے سرسبز جنگلات اور دیدہ زیب مناظر کو اپنا موضوع بنایا۔ انہوں نے قدرتی ماحول اور جنگلات کی شکل میں موجود قومی دولت کے تحفظ پر بھی توجہ دلائی۔ 1993 میں پی ٹی وی نے نئی مسافتیں طے کیں۔ 10 اپریل سہ پہر 3 بجے سے مقبول پروگراموں کو دوبارہ نشر کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 1993 ملک میں چھٹے عام انتخابات کا سال تھا۔ اکتوبر میں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے پی ٹی وی نے تمام حلقوں اور انتخابی امیدواروں کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے خصوصی پروگرام پیش کیے۔ 1993 کے دوران 2 نئے ری براڈ کاسٹنگ سینٹر کھولے گئے، 14 اگست مظفر آباد، 23 اکتوبر دیہ شاہ مرید۔ نومبر 1993 میں 18ویں ورلڈ اوپن اسکواش ٹورنامنٹ اور اس کے بعد ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ کی میزبانی کراچی نے کی۔ پاکستان 6 سال بعد ورلڈ ٹیم چیمپئن بنا۔ پی ٹی وی کی اس کوریج کو براہ راست دنیا کے کئی ممالک میں پیش کیا گیا۔ 1993 کے دوران پی ٹی وی کے پروگرام کے اور مقبول ترین پروگرام ثابت ہوا۔ یہ 25 اپریل 1993 سے اب تک جاری ہے۔ اسے اے حمید تحریر کرتے ہیں۔ اسے جس اور معلوماتی سپورٹس شو ناظرین میں بہت مقبول ہوا۔ اس کی میزبانی عالیہ رشید نے کی اور اسے جمشید فرشوری اور اختر وقار عظیم نے پیش کیا۔ انکل سرگم کے خالق فاروق قیصر سرگم ٹائم کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ ابتدا میں ان کے ہمراہ میزبان شمیم ہلالی تھی اور بعد میں ان کی جگہ شہناز شیخ نے لی۔ سرگم ٹائم کے پروڈیوسر قیصر فاروق تھے۔ 9 جولائی کو نیلام گھر کا نام طارق عزیز شو رکھا گیا۔ 2 مئی 1985 سے 9 جولائی 1993 تک نیلام گھر کے دور میں مجموعی طور پر 415 پروگرام پیش کیے گئے۔ اس طرح نیلام گھر کے دونوں ادوار میں 840 پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوئے۔ کامیڈی کامیڈی پی ٹی وی کا ایک منفرد شو تھا۔ اس میں تاریخی تواتر سے پی ٹی وی کے مزاحیہ پروگراموں کا جائزہ لیا گیا۔ میزبان بشرا انصاری اور راحت کاظمی اور ہدایات اقبال انصاری۔ انور مقصود نے اسٹوڈیو 2.5 پر پڑھنے والی شے سے مات نہیں کھائی اور اسٹوڈیو 2:45 لکھنا شروع کیا اور اس کے ذریعے نئی بساط سجائی۔ اس کی ہدایات بھی محسن علی نے دی۔ مستقبل شاداب ماحول کی آلودگی کے موضوع پر پی ٹی وی کا ایک یادگار شو تھا۔ اس کی میزبانی کے فرائض عبید اللہ بیگ اور مہتاب اکبر راشدی نے انجام دیے۔ اسے ایس ایم انور نے پیش کیا۔ جنوری 1993 میں ملکہ ترنم نور جہاں کے سدا بہار نغموں کا سلسلہ ترنم دوبارہ شروع ہوا۔ یہ پروگرام فرخ بشیر نے پیش کیا۔ غزل کا سفر میں حضرت امیر خسرو سے موجودہ زمانے تک بڑے دلچسپ انداز میں غزل کی گائیکی کا احاطہ کیا گیا۔ تحقیق
اختر علی خان اور موسیقار نیاز احمد. غزل کا سفر کے زیادہ تر پروگرام طارق جمیل نے پیش کیے. 1993 میں ڈراما سیریلز کی تعداد مزید بڑھی. 1992 میں 24 ڈراما سیریلز پیش کیے گئے تھے. 1993 میں ان کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی. اب خبرنامے کے بعد بھی ڈراما سیریلز باقاعدگی سے دکھائے جانے لگے. کوئٹہ مرکز سے گرد بات پیش کیا گیا. تحریر اور یہ مقبول جان, ہدایات نصرت ٹھاکر. انتہا کی بھی ناظرین نے پذیرائی کی. مصنف شوکت کےہر, پیشکش محمد بخش سمیجو. بابا کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. انتہا کا کردار یہ تھا, جب مجھے یہ پیش کیا گیا, جب مجھے پروڈیوسر نے یہ دیا تو میں نے اس میں دیکھا کہ یہ بڑا کم پڑھا لکھا آدمی ہے جو اسمبلی میں ممبر کی حیثیت سے آ رہا ہے اور اب اس کا نام جو ہے منسٹری پر سر فہرست ہے. تو میں نے اس وڈیرے کو سامنے رکھ کر اور میری جو اپنی ذاتی جو آبزرویشن تھی میں نے ان کو رکھا اور میں نے یہ کوشش کی کہ میں عوام تک یہ پہنچا سکوں کہ دیکھیں یہ کم پڑھے لکھے جو ممبر آپ سلیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں وہ ہماری جو زندگی کے فیصلے اور ہمارے ملک کے فیصلے کس طریقے سے کرتے ہیں. فریب میں راشد ڈار کی ہدایت کاری, فلم اسٹار رانی اور دیگر اداکاروں کی خوبصورت پرفارمنس اور مستنصر حسین تارڑ کی عمدہ تحریر نے ناظرین کو ہر ہفتے اس کے انتظار پر مجبور کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو تحریر ہے اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ, کوئی اثر ہونا چاہیے. اس کو معاشرے کے جو ٹھہرے ہوئے جوہر ہیں کرپشن کے اور بے انصافی کے, ان میں ارتعاش پیدا کرنا چاہیے. اور مقبولیت میرے حوالے سے اہم چیز نہیں ہے, بلکہ ڈرامے کا امپیکٹ ہونا چاہیے, اس کا اثر پڑنا چاہیے پورے معاشرے پر. رضیہ بٹ کی مشہور ناول نورینا کو پشاور مرکز سے یونس قیاسی نے ڈرامے کے قالب میں ڈھالا. ناظرین کے اس پسندیدہ سیریل کے پروڈیوسر عتیق احمد تھے. کوئی فائدہ نہیں ڈیڈی پوچھنے کا, صرف ہنسوں کی زبان سمجھتے ہیں. آہٹ کے بعد نجات میں بڑے مؤثر طریقے سے بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی. یہ سیریل بھی بڑی مقبول ہوئی. پی ٹی وی نے اسے بھی امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے تعاون سے پیش کیا. ہدایات ساحرہ کاظمی اور مصنف اصغر ندیم سید. زبیدہ خاتون کے ناول کرن کی ڈرامائی تشکیل خالد احمد نے کی. گھریلو خواتین میں مقبول اس سیریل کی ہدایات قمبر علی شاہ نے دی. جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامے کا اپنا ایک سکول آف تھاٹ کریٹ کیا یا بنایا ہے جس پہ کسی اور میڈیم کی چھاپ نہیں ہے, خصوصاً فلم کی کوئی چھاپ نہیں, جبکہ باقی ممالک میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے ٹیلی ویژن شروع کیا تو اس پہ فلم کی چھاپ ضرور رہی. لیکن ٹیلی ویژن نے پیور ٹیلی پلے کا رواج قائم کیا. ڈراما سیریلز کے اس دور میں سیریز کے ذریعے ناظرین کی توجہ سمیٹنا ایک کار دارت ہے. پسے دیوار زندہ, جنم لینے والی سچی کہانیاں روزن زندہ میں شاہد اقبال پاشا نے بڑی مہارت سے پیش کی. یہ پی ٹی وی کی ایک مقبول سیریز ثابت ہوئی. ضیا احمد آوان کی تحقیق کو حمید کاشمیری نے جیتی جاگتی کہانیوں کا روپ دیا. تو یہ ہے کہ عدالت میں اگر عائشہ بیگم کی پاک دامنی ثابت نہیں ہو سکی تو فاضل وکیل اس کی بدچلنی کا بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. 1993 کے لانگ پلے اب میرا انتظار کر کو اے بی یو ایوارڈ سے نوازا گیا. اس لانگ پلے میں آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر اور ان کے عہد کے پورے کرب کی بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی. یہ نور الہدا شاہ اور اقبال انصاری کا ایک حسین فن پارہ تھا. پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامہ ایک مشن کے طور پہ کیا اور ایک سوشل ورک کے طور پہ کیا. میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہوں کہ میرا رول ایز اے ڈرامہ پروڈیوسر یہی ہے کہ میں ایک سوشل ورک کر رہا ہوں, کیونکہ جب بھی ہم کسی ڈیولپنگ نیشن میں ہم پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں ہم لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اپنے سوسائٹی کے حوالے سے, اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے, اور بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم میڈیا پہ ہیں کہ ہم کسی طریقے سے سوسائٹی کو اپلفٹ کریں.
तो मेरा ख्याल है कि ड्रामा टेलीविज़न ने ये वाजे तौर पे अचीव किया है कि इसने लोगों को रियलाइज़ करवाया कि वो अपनी गिवन सिचुएशन को बेहतर करें। 15 जनवरी से मवासलाती सैयारे एशिया सेट के जरिए पीटीवी की नशरियात बैरूनी ममालिक में देखी जाने लगी। यकुम सितंबर से पीटीवी की सुबह की नशरियात भी मवासलाती सैयारे के जरिए बैरूनी मुल्क दिखाई जाने लगी। लेकिन आज मामला मुख्तलिफ है, आज हालात मुख्तलिफ है। एक बहुत ही खूबसूरत मौका है और मौका ये है कि न सिर्फ मैं प्यारे पाकिस्तान कहूँगा बल्कि प्यारे पाकिस्तान के बाहर तकरीबन 36-37 ममालिक में जो पाकिस्तानी है उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। अमेरिका में 15वां वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 17 जून से 17 जुलाई तक मुनाकिद किया गया। फाइनल में ब्राजील और इटली मुकाबले आए। इस साल मार्च के महीने में 16वें चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में किया गया। पाकिस्तान ने 14 बरस बाद ये टाइटल जीता। पीटीवी की टूर्नामेंट कवरेज को बैरूनी मुल्क भी बहुत पसंद किया गया। एक तवील अरसे जारी रहने के बाद तफहीम दीन की जगह अप्रैल 1994 में ताजदार आदिल ने प्रोग्राम तीनों दुनिया का आगाज किया। 30 जनवरी से नईम बुखारी गेस्ट आर के मेजबान बने, प्रोड्यूसर अमजद बुखारी और अख्तर वकार अजीम। 9 अगस्त से इस्लामाबाद मरकज से एक और स्टेज शो सरगम सरगम फिर सरगम शुरू किया गया। तहरीर फारूक कैसर, पेशकश नजीर आमिर। पीटीवी के लाइसेंस याफ्तगान के लिए तकसीम इनामात के सिलसिले का आगाज 11 मई से इस्लामाबाद मरकज ने किया। मेजबान कुरतुल ऐन, तहरीर फारूक कैसर, प्रोड्यूसर अमजद बुखारी और आरिफ राना। इस साल तारिक अजीज शो ने एक और कदम आगे बढ़ाया। 6 अगस्त को शारजा में रिकॉर्ड किया हुआ शो पीटीवी से पहली बार पेश किया गया। यंग तरंग में नए पॉप ग्रुप्स को मुतारिफ कराया गया। इसके ज्यादातर प्रोग्राम शाहिद इकबाल पाशा ने पेश किए। मारवी के फ्राक में सभी मुब्तला रहे। थर के रेगजारों में परवान चढ़ने वाली मारवी को नूरुल हुदा शाह ने आज के सिंध में तलाश किया। इस मकबूल ड्रामा सीरियल की प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी थी। सही बयान दूं तो सुन सकेंगे आप? फन की दुनिया में टेलीविजन ने जो कारा है नुमाया सर अंजाम दिए हैं, मेरा ख्याल है कि वो तारीफ के काबिल है। क्वेटा मरकज के सीरियल धुआं को कोई फरामोश नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर सज्जाद अहमद ने नए मुसन्निफ आशिर अजीम और नए अदाकारों की टीम से इस तरह काम लिया कि वो किसी को अजनबी नहीं लगे। आशिर अजीम, ये बताइए कि क्या आपने धुआं में जो ख्याल पेश किया वो हमारे माशरे में मुमकिन है? जी हाँ, मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बेसिकली गवर्नमेंटल अप्रूवल के साथ था कि गवर्नमेंट एक एजेंसी फॉर्म करे इस तरह की, और मेरा ख्याल बाकी मुल्कों में इस तरह की एजेंसीज एग्जिस्ट भी करती हैं जिन्हें हम स्वाट टीम्स कहते हैं, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स के लिए। ये थोड़ा सा स्वाट से ज़्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट था। तजुर्बेकार प्रोड्यूसर जेब शाहिद ने क्वेटा मरकज से एक और मकबूल सीरियल शहरजाद पेश किया। इसकी हर किस्त इंतजार बढ़ाती चली गई। शहरजाद और या मकबूल जान ने तहरीर किया। जहरबाद में जाली सरमायाकार कंपनियों के स्कैंडल की बड़ी खूबसूरत अक्कासी की गई। मुसन्निफ डॉक्टर तारिक अजीज, प्रोड्यूसर राशिद डार। जहरबाद में शुजात हाशमी ने एक यादगार किरदार किया। आपने दीन ही नहीं लोगों की दुनिया भी संवारती है। अब पिछले एक साल से ड्रामे में बड़ा वाज़े फर्क आया। पिछले 10-15 साल में अगर आप देखें तो हमारा राइटर, हमारा प्रोड्यूसर अपर क्लास दिखाता रहा मिडिल क्लास और लोअर क्लास को, और वो दोनों क्लासें फ्रस्ट्रेट होती रही। हमारी बच्ची, हमारा बच्चा, हाय ये कितने खूबसूरत पर्दे हैं, कितने ग्लैमरस ड्राइंग रूम्स हैं, ये दिखाते रहे। कंटेंट क्या था? एक लड़का लड़की इश्क कर रहे, एक कॉमेडियन लड़का एक कॉमेडियन लड़की, क्रिएटिंग कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी, नो दिस इज नॉट लाइफ। महासरा में कश्मीर के मजलूम अवाम पर तंग किए जाने वाले महासरे को मौजू बनाया गया। इस मकबूल ड्रामा सीरियल पर बड़ी मेहनत की गई। पेशकश शाहिद महमूद नदीम और शराफत नकवी। मुझे बर्दाश्त कर ली, मुझे बच्चा है ना।
अलाव की तपिश को भी नासरीन ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। तहरीर असगर नदीम सैयद, हिदायत शौकत जैनुल आबिदीन। घुंगरू, तुझे कितने मार का है कि बाहर बैठा कर हर वक्त यहाँ पे घुसा रहता तू? एतराफ की मकबूलियत का सभी ने एतराफ किया। कहानी एम ए राहत, ड्रामाई तश्कील हमीद काश्मीरी और पेशकश काजिम पाशा। तर्ज फुगां भी आपके पास है। अच्छा भाई, आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आज टेलीविजन को हमारे मुल्क में आए हुए 30 साल हो गए और ये 30 साल कामयाबी के 30 साल हैं। सारी दुनिया में टेलीविजन का मुकाबला फिल्म से था, यही सूरत हाल हमारे यहाँ भी थी। मगर देखते ही देखते टेलीविजन पूरे मुल्क पर छा गया और टेलीविजन ने अपने मेयार को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश की। कासमी कहानी पी टी वी की एक और शाहकार ड्रामा सीरीज साबित हुई। इसमें अहमद नदीम कासमी की यादगार कहानियों को ड्रामे का रूप दिया। ज्यादातर कहानियां अयूब खावर ने पेश की। इनमें जितने आने बनते हैं, अगर उनसे एक दिन पहले भी तो यहाँ आई, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मैं चली जा यहाँ से, चली जा। गंदारा तहजीब के एक और मरकज टेक्सला के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म मशहूर अहमद नजम ने बनाई। विमेन इन डेवलपमेंट में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की तरक्की में ख्वातीन के किरदार की अक्कासी की गई। हिदायत नरगिस हाशमी। हालात हाजरा के शोबे ने नित नए प्रोग्राम शुरू किए। प्रोग्राम को नाजरीन के लिए दिलचस्प बनाने के लिए प्रोग्रामों की हयात में तब्दीलियां भी की। उन्नीस सौ 1994 पी टी वी की 30वीं सालगिरह का साल, इस मौके पर खुसूसी प्रोग्राम पेश किए गए। क्वेटा मरकज से टीवी क्विज, प्रोड्यूसर इकबाल हैदर। कराची मरकज से पी टी वी का सफर। पी टी वी के पांचों मरकज को शामिल करते हुए एक ग्रैंड शो का एहतमाम। देखते ही देखते 30 साल बीत गए। कल के बहुत से फनकार आज बहुत बदले बदले नजर आते हैं। चुप कर जाना, कर शोर, नहीं चलना तेरा जोर। कंडे उते बेड़ी डूब गई, साडे दिल दिया दिल विच रहियां चांजर पगदी। पी टी वी की तारीख के सफ़ात उलटते हुए कई दिलचस्प इंकशाफात भी सामने आते हैं। पी टी वी के दो मराकज का इफ्तिताह एंड उसकी सालगिरह के दिन हुआ। क्वेटा मरकज
26 नवंबर 1974 तालीमी चैनल यानी PTV2 26 नवंबर 1992 खुदा की बस्ती PTV से नश्र होने वाला वो वाहिद उर्दू ड्रामा सीरियल है जिसे 1969 में बेपनाह अवामी मकबूलियत के बाद 1974 और 75 में दोबारा तैयार किया गया और दूसरी बार भी इसने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। 6 मर्दों को भी PTV से अनाउंसमेंट का एजाज हासिल हुआ। आइए 30वीं सालगिरह के इस मौके पर PTV के मुतालिक चंद शख्सियात से उनकी राय पूछते हैं। टीवी का को प्लेटफॉर्म को पकड़ना नहीं चाहता था और भागता था दूरी पब्लिक सिटी से, लेकिन खुशबू सुजात ने चेहरे में मुझे लेकर आई, कोई ना कोई तरीके से किसी न एंगल से मुझे तैयार कर लिया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस दिन से मेरी इंसानियत का जो पैगाम की इब्तदा जो है वहाँ से चली। इसमें 30 साल में एक टीम वर्क हुआ है, एक बहुत खूबसूरत टीम वर्क का हुस्न सामने दिखाई देता है। मसलन राइटर अपने कलम के ज़रिए से, आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए से, प्रोड्यूसर अपनी महारत के ज़रिए से और टेक्नीशियंस अपने तजर्बे की रोशनी में इस हुस्न में 30 साल से इजाफा करते चले आ रहे हैं। ज़्यादा पाबंदी वाली, ज़्यादा तंग नज़री वाले लोग जो घर में बच्चियों के ऊपर तंग नज़री करते हैं, वही लड़कियाँ हमारे पास आती हैं घर से तंग आके कि हमारे घर में कोई भी मतलब तफरी सामान नहीं है मौजूद। स्पोर्ट्स की तरक्की में बिलाशुबा PTV ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और आज हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को जो इतनी मकबूलियत हासिल हुई है उसमें बिलाशुबा PTV का एक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। और इस मौके पर मुझे अब से 22 साल पहले का वो वाकया याद आ रहा है जब मैं उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के सिलसिले में असलम अज़हर साहब जो कि जनरल मैनेजर थे उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के, उनके पास आया और उनको ये तजवीज़ पेश की कि क्रिकेट की कमेंट्री उर्दू में होनी चाहिए। तो वो अपनी मखसूस आदत के मुताबिक पहले हंसे और फिर उन्होंने कहा अच्छा तो मुझे ज़रा कमेंट्री करके सुनाओ। तो मैंने कमेंट्री सुनाई, 3-4 मिनट सुनने के बाद उन्होंने जो पहला लफ्ज़ कहा वो ये था कि चलेगी। PTV प्रोग्रामों ने ख़वातीन में सिर्फ फैशन ही को पॉपुलर नहीं किया है बल्कि उनमें अपने हकूक से आगाही भी दी है। 30 बरसों में PTV का सफ़र आगे और आगे की जानिब जारी रहा। 1964 में TV Center 2, 30 साल बाद 1994 में 6 TV Centers। रीब्रॉडकास्टिंग सेंटर 1964 में एक भी नहीं, 1994 38। नशरियात का दायरा 1964 में 9.32% आबादी, 1994 में 87.82%। नशरियाती रकबा 1964 1%, 1994 38.92%। हमला 1964 में 36, 1994 में 5901। PTV की तारीख के कई बाब बहुत रोशन है। PTV का तवील तरीन अरसे से जारी रहने वाला प्रोग्राम बसीरत, तवील तरीन ड्रामा लम्हे जिंदा रहेंगे, प्रोड्यूसर इशरत अंसारी। तवील तरीन अरसे मुसलसल अनाउंसमेंट, गजाला यास्मीन 11 बरस, मकामी तौर पर सबसे ज्यादा जबानों में खबरें पेश करने वाला मरकज क्वेटा, 4 जबानें उर्दू, बलूची, बरहवी और पश्तो। 30 साल में सबसे ज्यादा ड्रामा सीरीज और सीरियल्स लाहौर मरकज ने पेश किए, सबसे ज्यादा मौसीकी के प्रोग्राम लाहौर मरकज, सबसे ज्यादा हालात हाजरा के प्रोग्राम इस्लामाबाद मरकज, सबसे ज्यादा मालूमाती प्रोग्राम कराची मरकज। PTV की आमदनी में सबसे ज्यादा हिस्सा 79.18% कराची सेल्स ऑफिस। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रोग्राम तहरीर करने वाले अफराद फारूक कैसर इस्लामाबाद मरकज, ए हमीद लाहौर मरकज, अरबाब अब्दुल वकील पेशावर मरकज। सबसे ज्यादा ड्रामों में काम करने वाले आर्टिस्ट मोहम्मद कवि और काजी वाजिद। सबसे ज्यादा अरसे जारी रहने वाला इलाकाई क्विज शो परख, तकरीबन 13 बरस। तवील तरीन सीरीज अलिफ और नून। 30 बरसों में PTV को प्रोग्रामों पर मिलने वाले बैनुल अक्वामी अवार्ड की तादाद 30, सबसे ज्यादा 16 बैनुल अक्वामी अवार्ड दस्तावेजी फिल्मों को मिले।
पीटीवी ने इन 30 वर्षों में तरक्की की नई मनाजिल तय की। 1964 में एक हफ्ते में नशरियात का दौरानिया 18 घंटे, 1994 में 87 घंटे। 1964 में इश्तहारात का दौरानिया 9 घंटे, 1993-94 में 1280 घंटे। 1964 में आमदनी 1.5 लाख, 1994 में आमदनी 81 करोड़ 74 लाख। पीटीवी की सरगुजश्त जरगुजश्त नहीं। पीटीवी ने गुज़श्ता 30 बरस के अरसे में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की तरवीज की। पीटीवी के कारकुन 21वीं सदी के चैलेंज से आगाह हैं। मुल्क की 100% आबादी तक पीटीवी 1 की नशरियात पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। दुनिया से अपने नाजरीन को और करीब लाने के लिए पीटीवी ने अपनी खबरों का मजमूई दौरानिया भी बढ़ाया है। पीटीवी से 8 मुख्तलिफ जबानों में खबरें नशर की जाती हैं। अब हर हफ्ते कौमी नशरियाती राबते पर कम अज कम 390 मिनट खबरें पेश की जाती हैं। पीटीवी 1 के प्रोग्रामों की बैरूनी दुनिया में बड़ी मांग है। पीटीवी से एक मुआहदे के तहत शालमार रिकॉर्डिंग कंपनी पीटीवी के प्रोग्रामों को वीएचएस कैसेट्स पर मुंतकिल करके घरेलू सार्फीन को फराहम करती है। पीटीवी माजी में बहुत से चैलेंजेस से गुजरा, अब भी इसके सामने बहुत से चैलेंज मौजूद हैं। इस वक्त कुर्रे अर्ज पर एक नशरियाती जंग की सी फजा है। हर सम्त टीवी चैनल्स की यलगार है। इस तिलस्माती स्क्रीन पर कभी शब्द नहीं होती। एक दिन के खत्म होने से पहले दूसरा दिन शुरू हो जाता है। रिमोट कंट्रोल में एक दुनिया समाई हुई है। एक जुम्बेश पर मंजर बदले जा सकते हैं। अब नाजरीन को किसी एक चैनल के हिसार में रखना नामुमकिन है। पीटीवी के 30 बरस माजी का हिस्सा बन जाएंगे। आप पीटीवी का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन पीटीवी के 30 साल इस साल 26 नवंबर को माजी का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो एक बड़ा खुशाइन से एहसास होता है कि एक ऐसा इदारा जो 2-3 कमरों की एक तकरीबन जिसको झोपड़ा नुमा इमारत कह लें या बैरक्स थे, उसमें लाहौर में जहां शुरू हुआ, उससे वो तरक्की करके आज इस मंजिल तक पहुंचा है कि उसके पास 5 स्टेशनों का एक नेटवर्क है। इसके अलावा एजुकेशनल टीवी का एक सिलसिला है। और इस लिहाज से जो काम 50 आदमियों ने शुरू किया था और जहां अब खुदा के फजल से 6,000 अफराद जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो यकीनन एक बहुत बड़ी तरक्की और एक बड़ी मंजिल की तरफ पेशकदमी से ही इसको ताबीर किया जा सकता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम था जो इस साल जनवरी में उठाया गया कि टीवी की नशरियात जो पहले सिर्फ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन तक महदूद थी, उनको सेटेलाइट पर हम ले गए। और अब ये नशरियात 36 से ज़्यादा मुल्कों में देखी जाती हैं और पसंद भी की जाती है। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिस पर पीटीवी और उसके कारकुन जितना फख्र कर सके वो बजा है। ये तो हमारा हाल है। और मुस्तकबिल यकीनन अगर हम नए ट्रांसपॉन्डर या नए सेटेलाइट्स के ज़रिए अपनी नशरियात और दूसरे मुल्कों तक पहुंचाना चाहें तो मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 साल में ये भी मुमकिन है। ये नशरियात कनाडा और अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और दूसरे बर्रे आज़मों तक जिनमें अफ्रीका शामिल है, हम अपनी नशरियात का दायरा जो है वसी कर सकते हैं। ये तो हुई बात माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से हमारे एक मुख्तसर जायज़े की सूरत में। अब हमारी ज़्यादा कोशिश ये होगी कि हम अपने प्रोग्राम के मंदरजात या कंटेंट जिनको कहते हैं उनको बेहतर बनाएं और इस तरह हम उस चैलेंज का मुकाबला कर सकें जो आज के मीडिया रेवोल्यूशन के हवाले से हमें दरपेश है, जिसको यूं अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस यलगार से जो मीडिया के हम पर हो रही है उसमें अब खिड़की दरवाज़े छतें कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। हम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से
ये प्रोग्राम हमारे घरों तक, हमारे बेडरूम्स तक पहुंच रहे हैं, और उसमें हमारा पहली कोशिश ये होगी कि हम अपनी अकदार, अपनी वैल्यूज़ और अपने जो हमारा विरसा है, हम उसके हवाले से प्रोग्राम करें, और ऐसे प्रोग्राम करें जो हमारे ख़ानदानों के तमाम अफराद एक साथ बैठकर देख सकें। और ये बात मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मैंने जो बैरूनी नशरियात देखी हैं और जो हम देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे अपने कल्चरल बैकग्राउंड में हमारे तमाम ख़ानदान के अफराद बैठकर ये प्रोग्राम नहीं दे सकते। और ये मसला सिर्फ हमारा ही नहीं, ये उन अरब मुल्कों का भी है जहाँ ये प्रोग्राम इसी तरह पहुँच रहे हैं, ये और जो हमारे मशरक़ में वाक़ मुल्कों का भी है। बहरहाल जहाँ हमारी अकदार से मिलती जुलती अकदार मौजूद हैं, उनके लिए, सब के लिए ये मसला है कि ये आइंदा टीवी नशरियात को वो कैसे अपने लिए काबिल कबूल बना सकें। पाकिस्तान टीवी का पहला और अव्वली जो फ़र्ज़ है और जो उनकी कोशिश है, वो ये है कि हम इसको एक होम टेलीविज़न के तौर पर नाज़रीन के सामने लाएं और उन अकदार के तहफ़ और उनको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकें जो हमें, जो हमारा विरसा है और जो हमें अजीज़ है। पी टी वी के 30 साल आजमाइश, चैलेंज और कामरानियों की दास्तान है। ये कामयाबी इससे वाबस्ता हर कारकुन और मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले अफराद की मरहूने मिन्नत है। पी टी वी की कामयाबी में सबसे बड़ा हिस्सा नाज़रीन का है, जिनकी राय और तनकीद ने इस इदारे को हमेशा आईना दिखाया। इस वक्त हम पी टी वी के 30वें संगमील पर मौजूद हैं। इसके आगे हर समय रास्ते ही रास्ते हैं। पहुंचा है घर घर जिंदगी के हर पहलू को नुमाया यूं किया, शौक शौक का हसीं एक शऊर भी दिया। ये शऊर ये सफर इसी तरह नए दिनों नए मुसाफते दिए, रोशनी बना रहे दबा रहे, क्यों ही दबा दबा रहे।